किसान जानते होंगे कि गोदी मीडिया के तंत्र के आगे वे धारणाओं की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। यह जानते हुए लड़ना ही किसान होना है। किसान को पता है कि दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन वह फसल बोता तो है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती है किसान होने की अपनी पहचान को बचा लेना। उनकी लड़ाई मुद्दों की नहीं रह गई, उनके सामने नए नए तरह के किसान खड़े किए जा रहे। किसान आंदोलन का असर इतना तो है कि पोस्टरों में सरकार के मंत्री किसान के रूप में नजर आने लगे। किसान लगने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इमीडिएटली, बहुत जल्दी में फोटो खिंचानी हो तो गमछा मंगा लें, और थोड़ा ठहर कर इत्मीनान से किसान लगना हो तो बढ़िया मुरेठा बंधवा लें। मुरेठा और गमछा बांधकर कोई भी किसान बन सकता है और किसानों को चुनौती दे सकता है कि अगर वे किसान हैं तो हम भी किसान हैं। वैसे आप अगर कोट पहनकर बारात में गए हों तो वहां से लौटते वक्त न्यूज एंकर भी बन सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट। इसे समझने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम टाइम काफी। आज का दिन गोदी मीडिया के लिए गौरव का दिन। वैसे तो गोदी मीडिया के लिए हर दिन गौरव का होता है। इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ लोग किसानों के नाम पर अपना हित, अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आंदोलन के नाम पर कुछ सियासी सोच वाले लोग अपना एजेंडा चलाने की फिराक में हैं? आज मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए सियासी एजेंडा चलाने वाले लोगों से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है, और क्या वाकई किसानों के बीच नए कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसानों से किसका छल, आज का आर पार इसी। ये अर्बन नक्सली लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले, ये शाहीन बाग पार्ट टू चाहते हैं दोस्तों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन के नाम पर आगजनी चाहते हैं। ये सरजील के समर्थक देश में अशांति चाहते हैं, ये एमएसपी के नाम पर किसानों को लड़ाना चाहते हैं, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन अब एक इमेज है, छवि है। उसे काउंटर करने का तरीका यही है कि चारों तरफ किसानों की नई नई छवियां गढ़ दी जाएं। विमान उड़ाने वाला पायलट भी पगड़ी बांधकर किसान बन जाए ताकि लगे कि हमारा किसान तो जहाज उड़ा रहा है। फिर दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कांट दे फ्लाई ए प्लेन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन धरनाज एंड प्रदर्शनाज? जो किसान नहीं है वो किसान बन जाएं, ताकि जो किसान हैं और आंदोलन पर हैं वे किसान होने को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। तो कृषि मंत्री इतने सारे गोदी मीडिया के रहते हुए भी हर दिन, बल्कि दिन में एक बार से अधिक ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर क्या क्या फायदे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री के सम्मेलन में 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो दिल्ली सीमा पर बैठे 10-20 हजार किसानों की चिंता कृषि मंत्री जैसे उदार हृदय वाले नेता ही कर सकते हैं। वे इन किसानों को भ्रम से निकालने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप कामयाब किसान हैं तो तुरंत सरकार से कॉन्टैक्ट करें। इस वक्त कामयाब किसानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी कहानी किसान आंदोलन के भ्रम को दूर करने के काम आ सकती है। प्रधानमंत्री आज किसान मुद्रा में है, नया नया हल है, नई नई पगड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने भी हट कर लिया है कि वे भी हल चलाकर किसान बन जाएंगे, दिखा देंगे कि वे किसानों से कम किसान नहीं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड के कारण 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। जैसे जैसे ये तस्वीर किसानों की प्रतिनिधि छवि बनने लगी, आंदोलन के सामने सम्मेलन की तस्वीर की सप्लाई शुरू हो गई। अब आपके सामने एक और छवि है, सम्मेलन में आए किसानों की छवि, जो कुर्सी पर बिठाए गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, जिनसे प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल दो किसानों की बात भी सुनिए। इनमें से एक को पाइप खरीदने पर अनुदान की राशि का प्रमाण पत्र दिया गया है,
तो वहीं दूसरे किसान को चना की खेती पर अनुदान का 9000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया गया है, अभी रकम नहीं मिली है। इन दोनों किसानों ने दिल्ली में बैठे किसानों का, आंदोलन पर बैठे किसानों का समर्थन किया है। एक तीसरा भी है, सम्मन किसान, जो आज सामने आया। यूपी का एक जिला है संभल, वहां किसानों को नोटिस भेजा गया है और जिसमें लिखा है कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना है। क्या आंदोलन में भाग लेना, गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन में जुड़ने की बात करना, कानून व्यवस्था को चुनौती देना, उसके लिए 50,000 का मुचलका देना होगा। लेकिन आप ये ना समझे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, क्योंकि आपको व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से कोई भी नहीं रोक रहा। यही आपको समझना है कि कामयाबी के एक दो किस्सों से समस्या के समाधान की तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। किसान के आंदोलन का इतना तो असर हुआ ही है कि एक दिन के लिए सही दूर संचार मंत्रालय गोभी खरीदने गया। क्या आप कुछ और गोभी किसानों की बात सुनने के मूड में हैं?